28 सितंबर 1907, चक नंबर 1905, बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब। भगत सिंह ने आजादी दे गुलाटियां दे परिवार विच जन्म लिया, जिथे देश लई कुछ करन लई त्यार बर त्यार रहन दा जज्बा हरेक अंदर सी। ए जिहड़ी शहादत है उहदे मगर एक बड़ा लंबा इतिहास है जिहड़ा उन्हां ने सफर तय किया, और खास तौर पर परिवार विच उन्हां दे परदादा जी का एक सुनेहा सी कि जिंदगी विच सब तो वड्डा इम्तिहान उदों हुंदा है जदों तुहानूं जायदाद विच ते असूल विच चुनना पवे। जदों 1857 विच उन्हां दे सामने सवाल आया सी कि अंग्रेज़ उन्हां नूं उन्हां दी जबत कीती हुई जायदाद वापस करना चाहुंदा सी, नाल होर लैना चाहुंदा सी, इस बहाने कि वह उन्हां दी 1857 च मदद करे, तो उन्होंने कहा सी कि असी जदों गुरु गोबिंद सिंह नाल साडे बजुर्गां ने रिश्ता जोड़िया सी तां उदों ये असूल मतलब पढ़िया सी कि जिथे भी लोग अपने हक लई खड़े होण उन्हां दे नाल खड़े होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 दे जलियांवाले बाग दे हत्याकांड ने निक्के भगत ते इन्ना गहरा प्रभाव पाया कि ओ मुंडा रातों रात मर्द बन गया सी। उस दे बचपन दा भोलापन अते अलड़पन किधरे गवाच गए सन, अते उस विच बाबियां वाली गंभीरता उपज पई सी। परिवार वल्लों भी भगत सिंह नूं पूरा सहयोग सी। स्कूल पढ़दियां ना मिलवर्तन लहर च योगदान पाउण कारण उसने पढ़ाई छड्ड दित्ती, अते उस तों बाद नैशनल कॉलेज लाहौर दाखला लैण ते सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, यशपाल, जय गुप्ता अते राम कृष्ण नाल मिलके आजादी लई अपने संघर्ष नूं जारी रखिया। तो भगत सिंह दी जिहड़ा बचपन है वह पंजाब दे उस सांझे सभ्याचार विच होया जिन्हें उन्हें एक खुला दिमाग दिता, और वह अपने पाकिस्तान 105 चक है जिथे पैदा हुए सन उत्थे पढ़े, और उहदे तों बाद वह मतलब लाहौर आ गए। लाहौर उन्होंने पढ़िया तो उस वेले 1921 का जिहड़ी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती सी उहदे विच उन्होंने स्कूल छड्ड दिता, और फिर क्योंकि वह जिहड़े बच्चों ने स्कूल छड्डे सी आज़ादी की लहर करके, और उहदे तों बाद उन्होंने जो कहा कि तुसीं वापस जाओ स्कूलों च, उन्होंने कहा वह तो असीं छड्ड आए हाँ, फिर नैशनल कॉलेज बनया। और भगत सिंह उन्होंने खास तौर पर बहुत मेहनत करके उहदा टैसट पास करना पाया क्योंकि उन्होंने 10वीं मतलब प्रॉपर नहीं सी कीती हुई, और उस टैसट वास्ते उन्होंने बहुत मेहनत की और वह नैशनल कॉलेज दाखिल हो गए। नैशनल कॉलेज जिहड़ा सी उहदे विच दुनिया का साहित्य पढ़न की और चर्चा हुंदी सी, और उस वेले भी उन्होंने एक शरीर नूं भी चंगा सोहना बनाउण दा बड़ा शौक सी, और खास तौर पर वो जिहड़े लाहौर दे विच गतके दे चैंपियन भी सन और बड़ी चंगा सेहत भी रखते सन, और नाल ही विचारां नूं भी उह बड़ा पुख्ता करदे सी। जवानी दीआं बरूहां ते खड़े भगत दे विआह दी गल घर विच होण लग पई, पर भगत तां किसे होर ही लाड़ी नूं विआहण दीआं जुगतां बनाई बैठा सी। और मैं समझदा कि इक जिहड़ी बहुत समझण वाली गल है कि वह जदों घरों दौड़े क्योंकि घरदिआं ने उन्हां ते जोर पाउणा चाहिया कि विआह करन, लेकिन उन्होंने विआह ना करन करके वह क्योंकि 16-17 सालों की उम्र सी वह घरों दौड़ के कानपुर चले गए, और उत्थे उन्हां दा संपर्क जिहड़ा है इनकलाबी पार्टी नाल हो गया। लेकिन वह 18 सालों के सी जदों पूरी इनकलाबी पार्टी जिहड़ी है वह फड़ी गई, जिहदे च राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला, ठाकर रोशन सिंह, रजिंदर लहरी, सचिंदर सान्याल उन्हां दे साथी सन। तो उदों भगत सिंह लिखते हैं कि मेरे ते सब तो वड्डा क्राइसिस उस वेले आया कि मैं अजे विचारां विच पक्का नहीं सी, सिर्फ जज्बाती तौर पर पार्टी नाल जुड़िया होया सी, लेकिन साडे छोटे कंधियां दे उत्ते वड्डा भार आ गया, सानू लोग मखौल भी करदे सी, लेकिन उस वेले मेरे मन च आया कि एक 18 साल का नौजवान करतार सिंह सराभा अमरीका विच हवाई जहाज़ भी चलाउण वालियां विचों सी और उस वेले दी नवीं टेक्नोलॉजी सी, वह आया तो मेरा 18 सालों च मैं कित्थे हैगा। तो वह 18 सालों उन्होंने अपने अंदर करतार सिंह सराभे को लभना चाहिया, और खास तौर पर उन्होंने एक शेर जिहड़ा वह लगातार गुणगुणाते होंगे सी, सेवा देश की जनेड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झलियां। मार्च 1926 विच भगत सिंह ने अपने साथियों नूं इकट्ठा करके नौजवान भारत सभा का ऐलान किया, क्योंकि शहीद भगत सिंह उन्होंने और उन्होंने साथियों ने जिहड़ा सब तो पहला एक पोलिटिकल प्रबंधक काम किया वह नौजवान भारत सभा बनाउण दा सी, और नौजवान भारत सभा जिहड़ी है वह एक बहस विचों निकले हुए मतलब जिहड़े नुक्ते सी उन्हां नूं मतलब पूर्ण करन वास्ते सी।
तो नौजवानों नूं इकट्ठे करके एक नवा मतलब संकल्प देने का जिहड़ा काम सी उह नौजवान भारत सभा ने किया, जिहदे विच तीन असूल जिहड़े ने उहनां नूं खास तौर पर देखा गया। एक तो है कि लोगों विचों धार्मिक विचारां ते जिहड़ा वखरेवा है उहनूं नौजवान अपने दिमाग चों खत्म करन, अपने दिमाग विचों वो छुआछात का जिहड़ा सवाल है उहनूं कढ़न और वह तनदेही नाल एक मुठ होकर लगन। ता ही उन्होंने कहा कि नौजवान भारत सभा का जिहड़ा मतलब असूल है वह तिना सस्यां दे उत्ते है, जिहदे च सेवा मतलब और सफरिंग और सैक्रीफाइस, कि सेवा करो और उहदे लई जो भी पीड़ा ने वह चलो और फिर उस तो बाद जिहड़ा है कुरबानी लई तैयार होवो। तो इस तरह ही उन्होंने कहा सीगा कि नौजवानों नूं जोश दे नाल होश कायम रखनी चाहीदी है और ये नौजवान भारत सभा ने उस जिहड़ा खुला सी जिहड़ा पहली मूवमेंट दे विड्राल तो बाद लोकां च निराशा आई सी उहनूं दूर कीता और बड़ी तेजी नाल फैली और इहदे नाल ही उहनां दे मन विच जिहड़ा दूसरा सवाल सी कि असी साडे लीडर जिहड़े ने उह इक संकल्पक जिहड़ा संकल्प है आज़ादी दा उहनूं साफ शब्दां विच नहीं कहिंदे, जे राम राज कहिंदे ने ते राम राज जिहड़ा है उह मिथ है, उह लोकां दी समझ च नहीं आउंदा। इस करके उहनां ने समाजवाद दा जिहड़ा शब्द है उहनूं अपनी पार्टी दे नां विच जोड़िया और नाल ही उहनां दा इह सी कि अंग्रेज़ां दे, क्योंकि अंग्रेज़ जिहड़ा है वह एक सिस्टम है, वह कोई कौम नहीं, वह कोई बंदे नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है और सिस्टम नूं तोड़न वास्ते एक इनकलाबी लहर होनी चाहिए है जिहदे सारे लोगों नूं इकट्ठे होकर लड़ी जाए। तो उन्होंने सारे जिहड़े खिलरे हुए इनकलाबी सीगे उन्होंने मल दिल्ली इकट्ठा किया 8-9 सितंबर 1928 नूं और उहदे तो बाद वह फिर लगातार इस मल कोशिश विच सन कि किवें उन्हां विचारां नूं लोगों विच फैलाया जाए। जिवें उन्होंने अपने एक पत्र च लिखिया सी कि रूस में इनकलाब इस करके कामयाब होया कि उत्थे जिहड़े समाजिक ते आर्थिक मतलब हालात कायम मतलब सन उहदे नाल ही जोश भरे हुए लोग सन और तीसरा है कि उन्हां नूं अगवाई देण वाले उत्थे इनकलाबी सन ते उन्हां ने इसे संकल्प नूं लै के भारत विच मतलब करना चाहिया और वह काफ़ी हद तक कामयाब होए, क्योंकि जिदन उन्हां नूं शहादत हुई उदों लोग पूरा दुनिया हिंदुस्तान जिहड़ी है वह इनकलाब जिंदाबाद दे नारे लाउंदी सी और सारी दुनिया जिहड़ी है वह उन्हां वल देख रही सी। इन्हां कदमां नाल भगत सिंह दा देश दी राजनीति वल वाधा शुरू हो चुक्या सी। लाला लाजपत राय दी शहादत दा बदला लैण दी अग भगत सिंह अंदर बल रही सी। उसने चंद्र शेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु अते शिवराम नाल मिलके स्कॉट नूं मारन दी योजना बनाई, पर गलत संकेत कारण सॉन्डरस मारिया गया जिसनूं राजगुरु ने गोली मारी सी। ਜ਼ਾਲਿਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। और फिर उन्होंने मन में जी मैं समझदा कि जी सब तो वड्डी उन्होंने मतलब साढ़े राजनीतिक विचारधारा में देना उन्होंने सारे साथियों की वो है कि उन्होंने जो असैम्बली बंब सुटिया तो उन्होंने दो शब्दों का नारा लाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुरदाबाद। और बाद उन्होंने हाई कोर्ट भी कहा कि दो साढ़े जोड़े विचार ने यह साडा मूल मतलब जिहड़ा है साडी साडे वल्लों विचार हैगे ने और इन्हां विचारां नूं जे कोई विगाड़े तां फिर सानूं ओह बेइंसाफी असीं नहीं चल सकदे, सज़ा दी बेइंसाफी कोई नहीं है। और ओह उहदे पूरा उन्हां दा जिहड़ा है बदलता संकल्प। और फिर जिहड़ी सब तों वड्डी गल है कि जदों उन्हां ने यह समझ लिया कि अंग्रेज़ जिहड़ा एक साम्राजी शक्ति है, यह एक विचारधारक तरीका जिहदे नाल लुट की जाती है, तो फिर उन्होंने उन्होंने ढाउण वास्ते चार मेन एक्शन किए
जिन्हां विच पहला एक्शन जिहड़ा सी ओह पुलिस विच, क्योंकि जदों पुलिस ने लाठियां मारियां लाल लाजपत राय होणा दा दे मतलब उन्हां दी शहादत हो गई तां फिर लोकां च इक डर दा सहम पैदा हो गया, क्योंकि जे लीडर मर जाए तो हुंदा, तां उह सहम नूं तोड़न वास्ते उन्होंने उल्टा पुलिस विच सहम खड़ा किया, जिहदा सबूत यह सी कि वह किसी की फांसी की कलम जिहड़ी है उन्हें रखा नहीं गया, लेकिन सर भगत सिंह राजगुरू सुखदेव नूं जिस कलम ने फांसी दित्ती सी उन्हें फलौर किले विच लिया के दिता गया, क्योंकि नवे अंग्रेज़ अफसर जिहड़े ने उन्हां दी ट्रेनिंग इत्थे हुंदी सी जिद्दां अज भी पुलिस अफसर की ट्रेनिंग हुंदी, तो उन्हां नूं मन नूं वधाउण वास्ते सी। फिर उन्होंने असैंबली विच खड़े होकर कहा कि असैंबली जिहड़ी है वह लोगों के समस्यावां दा हल नहीं करती, इस करके ये मतलब उन्होंने कहा सी तुहानूं वार्निंग देण आए हैगे। भगत सिंह अते बीके दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दित्ती। 25 जून 1929 नूं भगत सिंह नूं लाहौर जेल भेजा गया, जिथे बीके दत्त पहलां तों ही हाजिर सी। इन्हां दिनां च ही सुखदेव अते राजगुरु भी इसे केस दी सज़ा विच शामिल होण करके जेल लियांदे गए। जेल दे प्रबंध दे खिलाफ इन्हां क्रांतिकारियां ने भुख हड़ताल कर दित्ती, जो कि 71 दिन तक चली, जिस विच जतिन दास की मौत हो गई। जदों जेल च गए तो उन्होंने जेल के सिस्टम नूं बदल दिता, क्योंकि सब तो लंबी भुख हड़ताल मतलब जिहड़ी है वह उन्हां दी है, जिहदे विच उन्हां दे एक साथी जतिन दास जिहड़े ने शहीद भी हो गए, लेकिन उस ने उन्हां नूं पूरा जेल का प्रोसैस बदल दिता, क्योंकि उन्होंने उस वेले एक अंग्रेज़ जिहड़ा कि मेरठ कॉन्सपिरेसी केस विच मजदूरां वल्लों फड़िया होया सी उह सज़ा याफ्ता सी, तो उहदा इह कहिणा कि अज लोग जदों आउंदे ने तो 3/4 नारे जिहड़े ने इनकलाब जिंदाबाद दे लाउंदे ने, 1/4 महात्मा गांधी जय दे लाउंदे ने, तो इस करके एक व्यक्ति की जित तो एक विचार की जित वल लोगों नूं तोर देना वह उन्हां दी मतलब बहुत वड्डी देण सी। इन्हां दे केस की सुनवाई लई एक स्पैशल ट्रिब्यूनल बनाई गई सी, जिसनूं भगत सिंह ने अपनियां तकरीरां नाल लाजवाब कर दिता। दोबारा जदों ट्रिब्यूनल बनाई गई तां भगत सिंह अते साथियां ने इस ट्रायल दे लई ये कह के मना कर दिता कि जे पहली वारी इंसाफ नहीं मिलिया तां हुण किवें मिलेगा। 7 अक्टूबर 1930 नूं कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव अते राजगुरु नूं 24 मार्च 1931 नूं फांसी देण दी सज़ा सुना दित्ती, पर यह फांसी 11 घंटे पहलां 23 मार्च 1931 नूं शामी 7:30 बजे ही दे दित्ती गई। तो ये एक लंबा सफ़र है उन्हां दे विचारां दा, और उहदे च मैं समझदा खास तौर पर उन्हां दा एक मतलब कम्युनिकेटर दे तौर पर एक जिवें उह विचार कर सकदे सी, उन्होंने अपने छोटे भरा सा कुलतार सिंह नूं मतलब जदों उन्होंने कहा मैनूं लिख दिओ, तो उन्होंने 3 शब्द लिखे सी जिहड़े मैं समझदा कि अज भगत सिंह दे नाल बच्चों का जो संबंध जिहड़ा है उन्हां 3 शब्दों नाल बन सकदा, जिहदे च लिखिआ कि सेहत दा ख्याल रखना, हिम्मत नाल रहना ते मेहनत नाल पढ़ना। बाकी चंद शेर मैं लिख दिंदा कि मेरी हवा में रहेंगी ख्याल की बिजलियाँ, ये मुश्ते खा के फानी रहे रहे या ना रहे। तो ये सफ़र है, और वो नाल ही उन्होंने साथी सुखदेव ते राजगुरु जिहड़े ने, वह सुखदेव एक्चुअली पंजाब का सारा जिहड़ा मतलब पार्टी का प्रॉब्लम सी, और वो एक मतलब पेरेंटल काम सी कि हर बंदे दी लोड़ दा ख्याल रखना, उन्हां नूं तैयार करना, और शायद उन्हां नूं फांसी सिर्फ इस करके लगी कि वह मूल प्रबंधक सन और राजगुरु पूने तो मतलब उन्हां दे साथी सी। और इहदे च इक गल जिहड़ी लास्ट कि उसी जेल विच पहलां करतार सिंह सराभा ते विष्णु गणेश पिंगले कट्ठे 1915 फांसी लगे सीगे, और उत्थे ही फिर मुड़ के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी लगते ने। तो एक जिहड़ा पूरे भारत का एक रिश्ता जिहड़ा है वह भी उहदे विच जुड़िया होया। भगत सिंह बहुत वधिया शख्सियत थी, उन्होंने बहुत छोटी उम्र फांसी दिती गई, जो कि उन्होंने मन च चाहिया भी साडा मुल्क उन्होंने वांग चलेगा, तो पर अजकल उन्होंने वांग नहीं चल रहा, ना ही कोई सरकार कर रही है। तो जिदा सानू पता है कि उन्होंने भगत सिंह जी का घर हुण खटकड़ कलां विच इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में है, जिस तरीके नाल वो एक पर्सनैलिटी सी साडे देश की, उन्होंने एक बहुत वधिया उच्च दर्जा मिलना चाहिए सी, जो हुण इस टाइम पर उन्होंने इत्थे नहीं मिल रहा है। मैं चाहुंदा है कि साडे जिहड़े नेता है इहनूं एक ड्रामा बनाउणा बंद करन, और साडे जिहड़े नौजवान है वो प्रेरणा लैके वाकई अपने जीवन में बदलाव करन, नहीं तो हर साल की तरह इस साल भी आप हार बहुत पावांगे, आप भाषण बहुत देवांगे, लेकिन जिहड़ी उन्हां दी सोच है
उन्हों जगाउन वो जिहड़ी सोच नू लोकां तक लोकां दे मनां दे अंदर जगाउन वास्ते आपां कोई काम नहीं करांगे। सो इस करके मेरी अरदास है कि पंजाब दा नौजवान अगे आके शहीद भगत सिंह दी सोच नू अपना समझ के उहदी रक्षा करे। समझना कि भी जे भगत सिंह वर्गे नौजवान ना हुंदा तां हुण तक असीं आजाद नहीं होणा सी। दसना चाहुंदा भगत सिंह जी ने जिहड़ी बलिदान दित्ता है, जिहड़ी अपने बलिदानियां दित्तियां ने, अपने जिहड़े होर जिहड़े तेज देश भगत होए ने, तो उन्हां दी बलिदानियां अज बेकार जांदी नज़र आ रही हैं, क्योंकि देश विच जिहड़े पॉलिटिशियंस ने वह सारा लुट खसोह करन ते लगे होए हैं। बड़े डाकू ने, एक छोटा चोर हुंदा है, बड़े चोर ने, स्विस बैंक अपने भरी जा रहे हैं। साढ़े देश नूं अज फिर एक भगत सिंह की लोड़ है जिहड़ा इन्हां नूं हिला सके, इन्हां दी असैंबली च एक बंब फोड़ सके, तो अपनी आम जनता बारे कुछ कर सके जिहड़ी गुलाम हुंदी जा रही है करप्शन दी। जे भगत सिंह हुंदा तो जमाने का वक्त ही कुछ होर हुंदा। हर कोई चाहुंदा है कि भगत सिंह फिर पैदा होवे, पर साढ़े घर नहीं।